गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 आम की टोकरी कविता पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस कविता में हम सबसे पहले इस चित्र को देखें। यहाँ एक छोटी सी बच्ची का चित्र है और यह अपने सिर पर आम से भरी टोकरी लेकर जा रही है, यानी लड़की आम बेचने का अभिनय कर रही है। तो आगे कविता में है, 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। यह जो बच्ची का चित्र दिखाया गया है वह कितने साल की है? 6 साल की। यहाँ बताया गया है 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, लड़की की उम्र क्या है? 6 साल, यह 6 साल की है। और ये जो अपने सिर पर टोकरी ली हुई है, इस टोकरी में आम भरे पड़े हैं। फिर आगे है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है। यहाँ कहना है कि लड़की जो आम बेचने का अभिनय कर रही है, यह छोटी सी बच्ची, यह जो आम बेचने का अभिनय कर रही है वह कुछ बोल नहीं रही है, किसी का नाम नहीं ले रही है, बल्कि वह आम से भरी टोकरी दिखा दिखा कर हम सबों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। फिर है, नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। तो सभी यही सोच रहे हैं अब कि हमें भी इसका नाम नहीं जानना, हमें आम है चूसना। तो बच्चों, हम पुनः जान लें, आम की टोकरी कविता में जो ये लड़की का चित्र दिखाया गया है, इसकी उम्र क्या है? 6 साल। और यह अपने सिर पर क्या लेकर जा रही है? तो यह अपने सिर पर आम से भरी टोकरी लेकर जा रही है। तो बच्चों, यह कविता यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे। बाय।